हेलो नमस्कार मेरे बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। हरिश्चंद्र, थैंक यू फॉर गिविंग लॉट ऑफ स्टार एंड डायमंड्स, थैंक यू बेटा। तो KGF सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे बच्चों। कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के, क्या हाल है भाई, जल्दी से अपने हालचाल बताओ, क्या हालचाल है भैया आप लोगों के। सुमन, पुष्पलता, अंजलि, गौर, थैंक्स, लव यू डियर, लव यू, आई एम फाइन। मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्सेट और SGPGI आप लोग देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसी के हिसाब से पढ़ाई पे फोकस करना होगा और आगे ध्यान देना होगा। यस, KGF सीरीज के लिए रवि बहुत जल्दी ही आने वाला हूं जयपुर, और आप पहुंच जाना, 12 तारीख को अपना पहला सेशन रहेगा। अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लव यू बेटा। चलिएगा, लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना। और कोई जानकारी चाहिए तो बोलो, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आज का, नेम द एनाटॉमिकल प्लेन शो इन द इमेज। दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं कि इस इमेज के अंदर जो एनाटॉमिकल प्लेन आपको दिखाया हुआ है, इसका क्या नाम है। जवाब पुट करिएगा आप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनाटॉमिकल प्लेन। इस एनाटॉमिकल प्लेन का क्या नाम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप जानते हैं एनाटॉमिकल प्लेन का क्वेश्चन हर बार एम्स के अंदर पूछा जाता है बेटा, देख रखा होगा आप लोगों ने तो, जिस जिसने एग्जाम दिया हो। नॉर्सेट दिया है क्या आप लोगों ने, या नॉर्सेट का पेपर देखा हो तो एनाटॉमिकल प्लेन का क्वेश्चन जरूर देखा होगा आपने। अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, देखा है ना आप लोगों ने। एनाटॉमिकल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है मेरे गजोधर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो याद रखना, हमसे ये कहा जा रहा है, ये जो प्लान दिख रहा है तो इसमें लेफ्ट और राइट के अंदर डिवीजन हो रहा है मेरे बच्चों, लेफ्ट और राइट में डिवीजन। तो जब आप कभी भी ऐसा एनाटॉमिकल प्लान देखें, ऐसा फोटो देखें जिसमें बॉडी का डिवीजन लेफ्ट में और राइट में और इक्वल हाफ में हो रहा है, तो लेफ्ट और राइट में डिवीजन को हम कहते हैं सेजाइटल। क्या कहते हैं, सेजाइटल सेक्शन बोला जाता है। अब सेजाइटल सेक्शन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, यदि अगर इक्वल हाफ में डिवीजन दिख रहा है आपको तो इसे मिड सेजाइटल बोलिएगा, और यदि अगर अनइक्वल हाफ आपको दिखाई दे रहा है तो इसे आप पैरा सेजाइटल बोलिएगा। क्या बोलिए, पैरा सेजाइटल। एक और प्लान होता है मेरे बच्चों जिसके अंदर आप फ्रंट और बैक में डिवीजन करेंगे, ये फ्रंट हो जाएगा और ये बैक हो जाएगा। तो फ्रंट और बैक में डिवीजन यदि कभी दिखे आपको तो उसको फ्रंटल, और फ्रंटल का दूसरा नाम है बेटा कोरोनल। क्या नाम है, कोरोनल सेक्शन। तो कोरोनल सेक्शन इज अनदर नेम ऑफ द फ्रंटल। इस इमेज के अंदर जो दिख रहा है आपको वो सेजाइटल प्लान है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और सबने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द पोजिशन शोन इन द इमेज। ये जो इमेज में पोजिशन दिखाया हुआ है इसका क्या नाम है, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, लो फाउलर या ऑर्थोपनिक पोजीशन, कौन सा पोजीशन इसे कहा जाएगा, जबकि एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री एंगल यदि अगर बैक साइड से बन रहा है जिसमें पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट इस पोस्चर को हम कहते हैं हाई फाउलर पोस्चर, हाई फाउलर पोजिशन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबको आ गया है, क्लास लाइक कर दो जिसने नहीं कर रखा है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। इमेज के अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, इसका क्या नाम है। तो पहला है गुडेल सर्वे,
या ओरोफेरिंजियल एयरवे, लैरिंजियल मास्क एयरवे या नेसोफेरिंजियल एयरवे। ये जो एयरवे आप देख रहे हैं इस एयरवे का क्या नाम है? और ये एयरवे जो हम देख रहे हैं मेरे दोस्तों इसका नाम है लैरिंजियल मास्क एयरवे। क्या नाम है बेटा? लैरिंजियल मास्क एयरवे इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सबका सही जवाब है ना? अरे भाई बोलो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पोजीशन शोन इन द इमेज। इमेज में ये पोजीशन दिखा हुआ है, लेग जो है वो डाउन है और हेड जो है मेरे बच्चों वो ऊपर हो रहा है। तो हेड ऊपर है और लेग डाउन है, तो कौन सा पोस्चर इसे, पोजीशन इसे कहते हैं? टेंडलबर्ज या रिवर्स टेंडलबर्ज क्या कहा जाएगा? तो मेरे बच्चों जब कभी भी ऐसा पोजीशन दिया जाता है तो ये पोजीशन दिया जाता है टू डिक्रीज आईसीपी, आईसीपी को कम करने के लिए। और ये वाला पोजीशन दिया जाता है जब आप कभी भी ये पोजीशन देंगे रिवर्स टेंडलबर्ज, तो इसका पर्पस होता है आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए। जिनका ब्रेन का हेड इंजरी का पेशेंट है, आईसीपी या आईओपी जिनका बड़ा हुआ है, उनको अपन रिवर्स टेंडलबर्ज देंगे। और जिसका सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो रहा है, मीन शॉक का पेशेंट यदि अगर होता तो शॉक के पेशेंट को अपन देते टेंडलबर्ज। तो जो हमें यहां पर शो किया है, ये क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूड क्वेश्चन है, हाई एल्ड वैल्यू क्वेश्चन है दोस्तों। आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो पूरी केजीएफ सीरीज के आज लगभग 27वां लेक्चर है मेरा, और ये लेक्चर आपने प्रिपेयर कर लिए ना, तो समझो आपकी एक ऐसी क्वेश्चन बैंक सोल्व हो जाएगी जिसके बाहर कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा। मतलब आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नॉर्सेट ही करेंगे, आप हर एग्जाम कर लेंगे, चाहे वो नॉर्सेट ही हो या एसजीपीजीआई हो। तो जो क्वेश्चन पेपर्स जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो केजीएफ सीरीज आपको दे रहा हूँ, दैट इज वेरी वैल्यूड क्वेश्चन गाइस। और संडे को ऑफलाइन क्लास पढ़ाऊंगा, उसका भी बेनिफिट आप लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि नहीं सर जो प्रिपेरेशन करवाते हैं और जो दूसरे प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें कितना डिफरेंस है दोस्तों, क्या अंतर आएगा, या आप महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे, खुद फील करके देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर पोस्चर दिया है, पोजीशन दिया है रिवर्स टेंडलबर्ज, डी ऑप्शन इसका जवाब देना था आपको। रवि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लॉट ऑफ स्टार। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द मास्क शो इन द इमेज इज नॉन एज। दोस्तों ये जो मास्क आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पर बैक कनेक्टेड है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लेना, ये मास्क है और ये बैक कनेक्टेड है, ये पूरा मास्क है यहाँ पर। इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका, इस मास्क का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन फॉलोइंग मास्क। और ये जो आप बता रहे हैं वेंचुरी, जिन्होंने जवाब दिया है उनका बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है, और जिन्होंने आंसर किया है नॉन रीब्रीदर मास्क, उनका सही जवाब है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज दिस इज नॉन रीब्रीदर गाइस। एक होता है रीब्रीदर और एक होता है ब्रीदर। तो रीब्रीदर मास्क जो होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क जो होता है और रीब्रीदर होता है, तो नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर, इसके अंदर जो एयर कलेक्ट हो रहा है, एक्सल्ड किया गया एयर, वो रीब्रीदिंग के लिए यूज नहीं होता है और इसलिए इसे कहा गया नॉन रीब्रीदर मास्क। सो द गाइस बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट शो इन द इमेज। इमेज के अंदर जो आपको ये इक्विपमेंट दिख रहा है, इसमें एक छोटा सा बेबी आ सकता है यहाँ पर, इसका क्या नाम है? फोटोथेरेपी यूनिट है, ओपन केयर सिस्टम है, रेडिएंट वार्मर है या फिर इनक्यूबेटर है? दोस्तों क्या है ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? और आप में से कई लोग जो जवाब करेंगे उसमें गलती ये कर सकते हैं कि आप इसको फोटोथेरेपी यूनिट बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग डिवाइस होता है, फोटोथेरेपी यूनिट बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है मेरे बच्चों इनक्यूबेटर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना? तो जो इमेजेस मैं बता रहा हूँ ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख के आपकी नोट्स कॉपी के अंदर लिख करके लर्न कर लेना थोड़ा सा, कि कैसा इनक्यूबेटर दिखता है और फोटोथेरेपी कैसा दिखता है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन दैट शुड बी डिलीवर्ड थ्रू दिस मास्क। ये जो मास्क आप देख रहे हैं, इस मास्क से मिनिमम कितना ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सकता है, ऑक्सीजन का फ्लो रेट क्या रखा जा सकता है? ये मास्क आप देख रहे हैं, इस तरह का मास्क है, या मेटल का नोज का पिन लगा हुआ है। ओके गाइस,
नो सपोर्टर है, तो इसका फ्लो रेट क्या होता है? और दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, और इसका ऑक्सीजन फ्लो रेट होता है 4 लीटर पर मिनट। मिनिमम इससे 4 लीटर एक मिनट में ऑक्सीजन क्लाइंट्स को डिलीवर किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल देख रहे हैं आप, इसका नाम बताइए क्या है ये? मायो डिसेक्टिंग सीजर है, एपिसियोटॉमी है, कॉर्ड कटिंग है, या कर्व्ड मायो सीजर है? क्या नाम है गाइज इसका? ये कौन सा सीजर है जो आप देख रहे हैं? और वेरी गुड, शाबाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा मेरे बच्चों 7 स्टार का सम्मान। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका नाम है, याद रखना, इस इक्विपमेंट का नाम है मेरे बच्चों कोड कटिंग सीजर। क्या नाम है? कोड कटिंग सीजर। अम्लाइकल कोड को कट करने के लिए इस सीजर का यूज किया जाता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द गिवन इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट दिख रहा है आपको इस तरह का, इसका क्या नेम है? इसका नेम आपको बताना है गाइस, कौन सा इक्विपमेंट है ये? वाल्सेलम है, यूट्राइन साउंड है, बीपी हैंडल है, या आरएस स्पैटुला है? व्हाट इज दिस? और डियर स्टूडेंट, एवरीवन नो अबाउट दिस, दिस इक्विपमेंट इज द यूट्राइन साउंड। ये क्या है? यूट्राइन साउंड है, यानी बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होता है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10, द कंडीशन इज कॉल्ड, ये दोनों फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? जवाब पुट करिए, पॉलीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, या क्लिनोडेक्टाइली, क्या कहा जाता है? गाइज यू नो दैट पॉलीडेक्टाइली तब कहेंगे जब एक्स्ट्रा फिंगर होता है, ओके? एक्स्ट्रा फिंगर होता तो उसको हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइली, यदि अगर कम फिंगर होता तो ब्रैकीडेक्टाइली, क्लिनोडेक्टाइली डिफेक्टेड है, और यहां पर दोनों अटैच है एक दूसरे के साथ, जब दो फिंगर जुड़ी होती है तो उसको कहा जाता है सिनडेक्टाइली, यानी कि बी ऑप्शन इसके अंदर दिखाया हुआ है। दिस इज अ कंडीशन इज कॉल्ड एज द सिनडेक्टाइली। सबको आता है ना ये वाला? ये क्वेश्चन कर लेना आप, बहुत पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आ रहा है ना सबको? बोलो एक बार बता दो मुझे, अंडरस्टैंड? अरे बोलो भाई, क्लिनोडेक्टाइली दैट इज रिफ्रैक्टेड फिंगर, कर्व्ड फिंगर, तो ये आपको बात समझ में आ गया है सबको? ये क्वेश्चन जो है फिंगर के इस तरह के, ये बहुत आते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं एग्जामिनर, ठीक है ना? इसको और अच्छे से आपके नोट्स कॉपी से प्रिपेयर कर लेना, अगर आपको पूरा ही टॉपिक पढ़ा रखा हो आपके ट्यूटर ने तो आप इसको लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि ये कौन सा कंडीशन है? एंसेफेलोपैथी, ब्रैकिसिफेली, कैपुट सक्सिडेनम, या हाइड्रोसेफेलस, क्या कहा जाएगा? और गाइस इसे कहा जाता है कैपुट सक्सिडेनम। वेरी गुड, शाबाश, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। ये कंडीशन है कैपुट सक्सिडेनम। क्लियर हो गया है सबको? क्लास लाइक कर दीजिएगा, जिसने लाइक नहीं कर रखा है वो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। कैपुट सक्सिडेनम है गाइस, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इन्फेंटोमीटर है, स्टेडियोमीटर है, या लुंड ब्राउडर टूल है, या नोमोग्राम है? क्या है ये, और इसका क्या यूज होता है, ये भी बता देना मुझे आप कि सर इसको किस काम से यूज लिया जाता है? और इसका नाम है गाइस, यू नो दैट, एवरीवन नो दैट, इन्फेंटोमीटर इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फेंटोमीटर इसे बोला जाता है, और अक्सर ये आता रहता है एग्जाम में, तो इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये, क्लियर है? और याद रखना मेरे बच्चों, 13 क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसका पल्स रेट आ रहा है 120 बीट्स पर मिनट, और बीपी इज 90/56, विच विद द कोल्ड एक्सट्रीमिटी द नर्स अंडरस्टैंड दैट पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ द विच टाइप ऑफ शॉक। गाइज यहां पर क्लाइंट को क्या क्या हो चुका है, सिचुएशन समझना, रोड एक्सीडेंट हुआ है, और रोड एक्सीडेंट के अंदर क्या हो गया है, उसका पल्स जो है, बीपी जो है, बीपी डिक्रीज आ रहा है, यानी हाइपोटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन, और हाइपोटेंशन होते ही, और पल्स जो है गाइज वो बड़ा हुआ है, पल्स इंक्रीज आ रहा है, अंडरस्टैंड? तो गाइज आपको बताना है कि इसको कौन सा शॉक होगा,
कौन सा शौक होगा? न्यूरोजेनिक तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूरोजेनिक यदि होता तो फिर क्या होता, न्यूरोजेनिक होता तो पल्स जो है वो घट जाता, ओके, यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता, हाइपोवोलेमिक हो सकता है, ओके, और स्पाइनल शॉक भी नहीं है, कार्डियोजेनिक भी नहीं है। कार्डियोजेनिक शॉक अगर होता तो पल्स और हार्ट जो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता। तो यहाँ पर ओवरऑल जो जवाब आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा, जब भी ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो बीपी डिक्रीज होगा लेकिन पल्स बढ़ेगा, और ये किस टाइप का शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो शॉक का आंसर निकालना सबको आया कि कैसे निकालते हैं, ओके, क्योंकि रट नहीं सकते आप। ब्रेडीकार्डिया अगर होता तो मेरे बच्चों आपको बात समझ में आ गया, ब्रेडीकार्डिया नहीं हो रहा है इसको, क्योंकि पल्स इतना आ रहा है तो ब्रेडीकार्डिया कहाँ हो रहा है, 127 पल्स आ रहा है तो ब्रेडीकार्डिया तो बिल्कुल नहीं है। ब्रेडीकार्डिया होता तो तब होता जब न्यूरोजेनिक होता, क्लियर है? बोलो भाई आ गया ना कैसे आंसर निकालना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट गिवन वाय द सबक्यूटेनियस रूट, इनमें से कौन सी दवा है जो सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है, आंसर पुट करना है, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सा दवा सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है? इंसुलिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, ट्यूबरकुलिन है, एरिथ्रोपोइटिन है, कौन सा दवा मेरे बच्चों सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है? तो ट्यूबरकुलिन कैसे दिया जाता है ये बताओ आप मुझे। तो आपको पता है कि यहाँ पर इंसुलिन सबक्यूटेनियस, LMWH भी, एरिथ्रोपोइटिन भी, केवल मात्र ट्यूबरकुलिन जो है ये सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर है? क्योंकि इसको इंट्राडर्मल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इंट्राडर्मल, आईडी रूट से इसको दिया जाता है। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द ब्लड प्रेशर रीडिंग इफ द अडल्ट बीपी कर्व इज यूज्ड टू असेस द बीपी इन एन इन्फेंट। यदि अगर आप इन्फेंट में अडल्ट का बीपी कर्व यूज कर लेते हो तो बीपी का रीडिंग जो होगा वो कैसा होगा? तो आपने क्या करा, कोई चीज जो है इन्फेंट, असेस द बीपी इन द इन्फेंट, तो बढ़ गया है, तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर कुछ बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, और साइज बढ़ गया है गाइस तो बीपी कम आएगा, यानी कि फॉल्स लो आएगा, फॉल्स लो आएगा, लोअर रीडिंग आएगा गाइस। कैसा आएगा? लोअर रीडिंग आएगा। गलत जवाब दे रहे हैं आप लोगों में से जो ए लगा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, लोअर रीडिंग होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अंडरस्टैंड, यदि अगर आप इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो, यदि अगर आप इन्फेंट का बीपी इक्विपमेंट है और अडल्ट में यूज कर लो तो फिर रीडिंग क्या होगा बताना जरा। यदि अगर आप इन्फेंट का बीपी इंस्ट्रूमेंट अडल्ट के बीपी लेने के लिए अगर आप यूज कर लेंगे तो क्या होगा, तो बीपी रीडिंग आ जाएगा हायर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? हाई आ जाएगा। क्लियर है? फॉल्स हाई। सी द क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूक्स मेजर और माइनर सिम्टम क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। क्या आपको पढ़ाया है कभी ड्यूक मेथड? अरे ड्यूक मेजर और माइनर सिम्टम क्राइटेरिया पढ़ा रखा है क्या आपके शिक्षक ने? तो ड्यूक का जो माइनर क्राइटेरिया है और मेजर क्राइटेरिया है, ये कौन सी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं? और मेरे बच्चों इसको यूज किया जाता है इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस के लिए, एंडोकार्डाइटिस के लिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए ड्यूक के मेजर और माइनर सिम्टम यूज किए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 17, एलएमपी दिया है आपको इस फीमेल का 12 अक्टूबर, ओके, 2018, तो आपसे कह रहा है ईडीडी क्या होगा, निकाल के बताना जरा ईडीडी कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से करो, ओबीजी के तो आप एक्सपर्ट हैं, कितना ईडीडी आएगा? और ईडीडी आ जाएगा मेरे दोस्त 19 जुलाई 2019, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्ट एंड द फ्लैप। फ्लैप और ग्राफ्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्राफ्ट एंड द फ्लैप?
ग्राफ्ट और फ्लैप, क्या सुना है आप लोगों ने ग्राफ्ट एंड फ्लैप क्या होता है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। याद रखना जो ग्राफ्ट होता है ना इसमें खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ओके, लेकिन जो फ्लैप अपन यूज करते हैं फ्लैप, तो उसके अंदर सेल्फ ओन ब्लड सप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लैप हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई बट द ग्राफ्ट डज नॉट हैज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19। चाइल्ड इनहेल अ मार्बल which is not visible to naked eye and has the complete airway obstruction, which of the following intervention is used to remove the airway obstruction? अगर किसी बच्चे ने मार्बल का टुकड़ा खा लिया और वो आंखों से नहीं दिख रहा है, नीचे चला गया एयरवे में, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो कौन से तरीके से आप सांस में से एयरवे में से ऐसी चीज को निकालोगे बाहर, क्या तरीका होगा आपका, किस तरीके से निकालोगे? मेरे बच्चों जब भी कभी चिल्ड्रंस के अंदर मार्बल या कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली कोई थिंग चली जाए तो इसको रिमूव करने के लिए चेस्ट थ्रस्ट और बैक ब्लो मेथड यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है जो आप सब ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। शाबाश मेरे गजोधर, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्रिस्टल क्लियर है? कहां कहां बैठे हो? कोई लाइब्रेरी में बैठा है क्या अभी? अरे कोई लाइब्रेरी में बैठा है या रूम पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? तुम लोग कहाँ बैठे हुए हो, कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? घर में हैं? अच्छा रोड पे भी हैं, रूम में भी हैं? सीपीआर में पढ़ाया था, यस, रूम में, घर पे, गांव में, छत पे, मैं रूम में, रूम में, घर पे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बेड में? अच्छा रोड पे भी घूमते हुए पढ़ रहे हो? सर ऊपर से जा रहा है ओनली, आपकी क्लास स्टार्ट की है, यस 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 यस, वेरी गुड। किचन में? अच्छा शिवानी किचन में खाना बना रही है अभी, घर पे हैं। बुगली का नशा हो गया है? अरे नशा होना चाहिए बुगली का आपके दिल में, अरे विशाल क्या बात है भाई, शाबाश। तो सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 20। शोकेबल रिदम आर सीन इन, दोस्तों शोकेबल रिदम कौन से केस में होती है, कब आप शोक लगा सकते हो? टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या असिस्टॉल? शोकेबल रिदम बताना है आपको जिसमें शॉक का यूज करके उसे रिस्टोर किया जा सकता है। तो गाइस शॉकेबल रिदम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कब होगा, शोकेबल रिदम कब यूज में लिया जाता है? शोकेबल रिदम किसे कहोगे आप? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को, जिसको डीफैब करना पड़ता है, ओके, डीफिब्रिलेशन करना होता है, यानी सी ऑप्शन इसका जवाब होता है। क्लियर हो गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21। अ पेशेंट इन द आईसीयू टेल द नर्स that the someone is calling his name whenever the ventilator's alarm beep. This condition is known as, और अक्सर हर एग्जाम में ये समझे आप कि इसको सरकारी क्वेश्चन मार्क कर लो, आप 7 स्टार का सम्मान दे दो इसे, आप हर एग्जाम में इल्यूशन का और हेलुसिनेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एक तो इल्यूशन हेलुसिनेशन बहुत अच्छे से कर लेना, हेपेटाइटिस बहुत अच्छे से कर लेना दोस्तों, और फंडा के जो इक्विपमेंट्स हैं इमेज बेस वाले, मैंने काफी पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर ही, उनको जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लेना अगर आप क्रैक करना चाहते हो नॉर्सेट को। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं है तो आपसे कह रहा पेशेंट इन द आईसीयू टेल द नर्स दैट समवन इज कॉलिंग हिज द नेम व्हेनेवर द वेंटिलेटर अलार्म बीप्स। वेंटिलेटर की अलार्म जैसे ही बज रहा है तो उसको ये कह रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, यानी क्या है यहाँ पर, मिसपरसेप्शन है दोस्तों। क्या है? मिसपरसेप्शन। तो स्टिमुलाई है ना, यहाँ पर स्टिमुलाई है, और जब स्टिमुलाई होता है और उसे फॉल्स परसीव कर रहा है पेशेंट तो वो कहलाता है इल्यूशन, और जब स्टिमुलाई ना हो और उसे मिसपरसेप्शन फॉल्स परसेप्शन कर रहा है, तो फॉल्स परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, तो हेलुसिनेशन।
तो यहां स्टिमुलाई है एंड क्लाइंट इज डूइंग द मिस परसेप्शन ऑफ दिस स्टिमुलाई, रॉन्ग परसेप्शन, देन गाइस दिस इज कॉल्ड एज द इल्यूशन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अंडरस्टैंड हो गया है सबको? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में अकर ड्यू टू द साइट्रेट इन द ब्लड। दोस्तों ब्लड में जब आप साइट्रेट मिक्स करते हो तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर से इंबैलेंस हो जाता है? आपको पता हो तो ब्लड बैंक के अंदर जब भी कभी ब्लड लिया जाता है तो वहां पर उस बैग में, जिस बैग में ब्लड का कलेक्शन करेंगे, उसके अंदर पहले से ही एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड में क्या होता है? वो लिक्विड किसका होता है? वो लिक्विड होता है दोस्तों कैल्सियम, वो लिक्विड होता है सोडियम साइट्रेट। क्या होता है? सोडियम साइट्रेट होता है। और सोडियम साइट्रेट के लिक्विड में आप क्या मिक्स करेंगे? ब्लड मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आप ब्लड मिक्स करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये ब्लड में क्या है? कैल्सियम है दोस्तों, Ca+2 है। तो ये कैल्सियम की साइट्रेट से बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और जैसे ही ब्लड इसके अंदर कलेक्ट करोगे तो ब्लड का जो कैल्सियम है ये तुरंत ही साइट्रेट के साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेगा? कैल्सियम साइट्रेट। और कैल्सियम साइट्रेट बनाते ही उस ब्लड में किसकी कमी आ जाएगी? कैल्सियम की, यानी हाइपोकैल्सीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना सब लोगों को? क्लियर है तो याद रखना कैल्सियम साइट्रेट, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। 23 देखना, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? सोडियम का लेवल बताइएगा, क्या लगाएंगे इसमें आप? और इसके लिए सही जवाब है मेरे बच्चों सी ऑप्शन, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबका जवाब करेक्ट है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 24। डेस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर वॉल्व का डेस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? अस्थमा, एम्फाइसेमा, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस? क्या कहा जाएगा दोस्तों? डेस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज है, यदि अगर एल्वियोलाइज का वॉल डैमेज हो जाए, वॉल डैमेज हो जाए ना, तो एयर का ट्रैपिंग होने लगेगा, एयर ट्रैप होना, और ये कंडीशन होती है दोस्तों एम्फाइसेमा के अंदर। बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। सबको आ गया? एयर ट्रैप, यानी कि जो लोग ज्यादातर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें धीरे धीरे एल्वियोलर वॉल जो है बर्न हो जाएगा, और बर्न होने से एयर ट्रैप होने लगेगा, और इसे एम्फाइसेमा बोला जाता है। सीओपीडी का पार्ट है ये। ओके, तो चलिएगा, बैरल चेस्ट भी इसकी का फीचर है बेटा सोनाली, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, पिंक पफर भी इसी को कहते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखना, 25। मैन रिजर्वॉयर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड, जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, एक अडल्ट के अंदर 5-6 लीटर होता है, तो उसमें से मैनली ब्लड का रिजर्वॉयर कहां पर रहता है? आर्टरी में या वेन के अंदर, या फिर कैपिलरीज में, या लेफ्ट वेंट्रिकल में? कौन सी वैली वेसल्स को? जगदीश, कौन से टाइप की वेसल्स के अंदर ब्लड का मुख्य रूप से रिजर्वेशन रहता है? तो ब्लड का कलेक्शन मैनली होता है दोस्तों, सब गलत जवाब कर रहे हैं जो लोग सी लगा रहे हैं। मैनली ब्लड का रिजर्वॉयर जो रहता है ना, वो रहता है वेन्स के अंदर। और जिन्होंने भी बी आंसर करा है उन्हीं का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्टैंड गाइस, यानी वेन के अंदर इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स का रिजर्वॉयर। और देखना, एक आप आर्टरियोल सुनेंगे कभी, आर्टरियोल्स का क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है तो इन्हें कहते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस वेसल्स। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस वेसल्स इनको बोलते हैं। ओके, तो ये है रेजिस्टेंस वेसल्स और ये है रिजर्वॉयर वेसल्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गया क्या दोस्तों सबको? अरे यहां तक क्लियर है ना? हाफ क्लास आप कर चुके हो, 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन हम रोज करते हैं। और सुनना, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो, काम की बात। कल फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन मेरी क्लास जो है यूट्यूब की वो वापस से ऑफ रहेगी दोस्तों, क्योंकि मैं जयपुर आ रहा हूँ। और आप जयपुर में जो जो भी लोग हैं वो मुझे मिल सकते हो ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि मेरी संडे को ऑफलाइन क्लास रहेगी और सैटरडे और फ्राइडे को मैं इसलिए जल्दी निकल रहा हूँ
क्योंकि मुझे अभी वहां पर सारा सेटअप करवाना है बच्चों। बिल्डिंग तो ले लिया है लेकिन अभी सेटअप जो है वो करवाना है। वेंडर्स आएंगे, कोई तो बैनर वाला आएगा, कोई कौन आएगा, तो उन सब से मेरे को मुलाकात करनी है, एग्रीमेंट होगा, कागज वगैरह बनेंगे, तो बहुत काम है अभी। तो मुझे अभी इस सेशन में 2 दिन के लिए आपका ऑफ लेना पड़ेगा, कल और परसों, ठीक है ना। और बाकी मंडे से क्लास में वापस रेगुलर करूंगा, और जो ऑफलाइन आ सकते हैं तो वो ऑफलाइन आ जाना जयपुर में, वहां पे ऑफलाइन में पूरी यूनिट आपको मैं कम्प्लीटली तैयार करवाऊंगा मेरे बच्चों। बाकी की सारी जानकारी मैं वहीं दूंगा, यूट्यूब पर मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर उससे क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो भी बात को यहाँ से शेयर करते हैं उसका मिस यूज होने लग जाता है, तो आप समझते हो दोस्तों। बाकी सारी जानकारी हम वहां पर देंगे इस क्लास के बारे में कि कैसे ये बैच होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। कोई शुल्क नहीं है, केवल इतना सा है कि आप जयपुर में गोपालपुरा बाईपास से अगर आप लालकोठी जाओगे ना, तो वहां तक लालकोठी जाने में जितना किराया ऑटो वाला लेगा ना दोस्तों, उतनी ही आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, लगभग 250। कोई फीस नहीं है इसके अलावा, आप आइएगा और आप मुलाकात करिएगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिल सकता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म मैंने आपको व्हाट्सअप भेज रखा है, अगर किसी को नहीं मिला है तो आप व्हाट्सअप कर देना, आपको फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को प्रिंट लेके उस पर फोटो लगा के और अपने आधार की जेरोक्स उसके साथ अटैच करके जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ, तब आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरी क्लासेस जो है फ्राइडे, सैटरडे को और संडे को ऑफ रहेगी। टेस्ट आप दे सकते हो वुगली ऐप के अंदर, टेस्ट चलते रहेंगे, ठीक है। पहला अनाउंसमेंट क्लियर हो गया है मेरे बच्चों। चलिए आगे बात करने वाला हूं 26। इफ द बर्थ रेट ऑफ एन एरिया इज द 6000 ऑफ द सेम ईयर एंड द टोटल पॉपुलेशन इज 3 लाख, देन व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट। क्या आपको CBR निकालना आता है क्या? वाइटल स्टैटिक्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्रूड बर्थ रेट कैसे निकालोगे जबकि आपको उसमें टोटल बर्थ रेट दिया हुआ है पिछले साल का 6000 और 3 लाख इसकी कुल पॉपुलेशन दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों कितना आने वाला है क्रूड बर्थ रेट। 3 लाख को आप डिवाइड करो 60,000 से और 50 और कैसे निकलेगा ये 50 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चों? 50 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 50 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following condition is seen in a patient with the following ABG report? pH दिया हुआ है 7.25, PCO2 60 दे रखा है, PCO2 बढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा आप, increase हो रहा है, और bicarbonate जो है 27 दिया है, तो इसका acid base report क्या बोलेगा? pH भी 7.25 आ रहा है, pH decrease हो रहा है ना, 7.35 से 7.45 होता है, तो pH घटा हुआ है, CO2 बढ़ा हुआ है, तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों, क्या जवाब आने वाला है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इस क्लाइंट को हो रहा है। क्लास लाइक कर दो यार, जिसने लाइक नहीं कर रखा है क्लास को, लेक्चर को लाइक कर दो, आपके लिए मेहनत करता हूँ रात को 10 बजे, ताकि आपको कुछ अच्छा सिखा सकूं, ताकि आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करेंगे तो केवल याद करेंगे मुझे। दोस्तों मेरा मिशन, मेरा मोटो एक ही चीज होता है कि आप तक एक बेहतर कॉन्टेंट मैं पहुंचा सकूं, और जो मदद मुझसे बनती है वुगली चैनल के माध्यम से, ये मान के चलो कि डिनर करे बिना, खाना खाए बिना ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ 7 बजे 7:30 बजे, वहाँ से आते आते 8:30 बज जाते हैं, डायरेक्टली आपकी ऑफ स्टूडियो के अंदर एंट्री करता हूँ, फिर आपकी क्लास लेता हूँ। अब 11 बजेंगे, 11 बजे आपकी क्लास अपलोड होगी वुगली ऐप के अंदर, PDF डलेगी, उसके बाद फिर जाके 12 बजे तो डिनर होगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दोस्तों कुछ पाना है तो डेडिकेशन तो आपको चाहिए, अगर डेडिकेशन है तो सब कुछ पा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट। दोस्तों कॉनकेव लेंस किस लिए यूज किया जाता है, कौन सा रिफ्रैक्टरी एरर को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? ऑस्टिगमैटिस,
हाइपरओपिया, मायोपिया या प्रेस बायोपिया किसके लिए यूज किया जाता है मेरे बच्चों? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस यूज होता है मायोपिया के लिए। किसके लिए? मायोपिया के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कॉनकेव लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 29। विच ड्रग शुड बी केप्ट इन द वार्ड व्हेन गिवन द मैग्नीशियम सल्फेट टू द क्लाइंट? तो आपसे पूछ रहा हूं मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट बताना है आपको। चलिए बताइएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट। शाबाश नीतू, बहुत बढ़िया जवाब दिया। कृष्णा ने भी सही दिया है, शाबाश कृष्णा। तो याद रखना मेरे बच्चों, कैल्शियम ग्लूकोनेट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30 देखना, इंसुलिन लिस्प्रो इज गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट, कब देते हैं? बिफोर 15 मिनट ऑफ मील, 30 मिनट या बिटवीन टू मील, आफ्टर 30 मिनट ऑफ मील? मेरे बच्चों इंसुलिन कब दिया जाता, लिस्प्रो एस्पार्ट, लिस्प्रो जो है उसको कब देते हैं? हमेशा इंसुलिन जो दिया जाता है वो खाना खाने से 15 मिनट पहले आपको देना होता है, ठीक है ना? तो 15 मिनट पहले हम इंसुलिन देते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीएस्ट साइन ऑफ द प्रेशर अल्सर? गाइस, इफ यू आर अटेंडिंग अ क्लाइंट विद द प्रेशर अल्सर, देन व्हाट विल बी द अर्लीएस्ट साइन? Or you understand, do you know about the pressure ulcer, then you need to tell me about the earliest feature of the ulcer, pressure ulcer, then what is the right answer guys? You know that skin is start to do the discoloration. When the client have the pressure ulcer, the skin is start to do the discoloration. Understand? So the C option is the right answer guys. Okay, crystal clear hai. I hope you understand everyone now. Now see the question number 32. Chest compression and ventilation ratio for the adult by the single rescuer. Guys, I was already tell you in my previous lectures that was taken on the CPR. Or I tell you, always I tells you that when you are doing the CPR, if a one rescuer or the two rescuer, it does not matter. But you need to deliver the rescue breathe and rescue efforts by the 30:2. चाहे से one rescuer है या फिर आपके पास two rescuer हैं, always you need to deliver the rescue breathe and the rescue compression by the 30:2. D option is the right answer. And one more thing guys, CPR एक ऐसा topic होता है हमारी nursing के competitive exams के अंदर कि always आपको 1-2 question इस topic से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस टॉपिक को परफेक्टली लर्न कर लीजिएगा। सीपीआर मैंने यूट्यूब पे प्रीवियसली भी पढ़ा रखा है, बाकी अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप उससे लर्न करिएगा, ठीक है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 33। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। और एक टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा गाइज, बिकॉज द हेपेटाइटिस इज अ वेरी वैल्यूएबल टॉपिक इन आवर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एवरी एग्जाम आस्क दिस क्वेश्चन, every exam ask one question from the hepatitis or specially about the hepatitis A or the hepatitis B. So should keep learning about the hepatitis. Or you know that hepatitis A is always transmitted through the fecal route ya fir the oral route. So the transmission of hepatitis A is the feco-oral route. A option is the right answer. Whereas the B, hepatitis is always transmitted through the blood transfusion or sexual contact. Understand guys? So blood-borne hepatitis is the B and fecal-orally transmitted hepatitis is the A hepatitis. A option is the right. Now see the question number 34. Under the National Urban Health Mission, each ASHA worker cover how many population? You need to tell me. A ASHA worker cover the how many population, then what is the what is your knowledge about the community health nursing? You should know about this, ki how many houses that are covered by one ASHA worker. Aur aap jawab kar rahe hain guys, C option,
इज इट राइट, कंफर्म है क्या आप लोग? 1000 पॉपुलेशन इज कवर्ड. तो माय डियर स्टूडेंट, अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ईच आशा वर्कर कवर्स हाउ मेनी पॉपुलेशन? तो देन गाइज, 1500 टू 1000 हाउसेस कवर्ड बाय अ आशा वर्कर, एंड सो द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अंडरस्टैंड? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 35. According to the TRIAS system, which color coding is given to an unconscious patient whose blood pressure is 120 by 78 and the pulse rate is 82? Guys, if a client having the pulse and BP also, and but it is the this is the unconscious, then which tag you will apply on the wrist of this patient? Isko aap kis tarah ka tag apply karenge? Blue, yellow, red ya black? ब्लैक उनको किया जाता है जिनकी डेथ है, बहुत इमरजेंसी है, रेड होता है. और गाइस, यदि बचने की पॉसिबिलिटी है और इसको रेस्क्यू किया जा सकता है, देन यू विल अप्लाई द येलो टैग. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अंडरस्टैंड गाइस? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज अप्रोप्रिएट ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन इन अ वन ईयर चाइल्ड? Dear student, if I am asking this question to you, that when you are instilling the eardrop to a child that have the 1 year of the age, then what you will do? How you can do the straten of the ear pinna? Ear pinna straten ke liye what you will do? So then guys, yadi question aata hai less than 1 year or equal to 1 year, then is a very small child, and then you should place the ear pinna backward first, then downward. Understand? Then backward and downward technique is used to straighten the ear canal, and so the pull the pinna inward and upward, backward and downward is the right answer. B option is the correct. Okay guys, very good, shabash. Now see the question number 37. Desk provided with a tabletop prevent the neck problem is an example of which level of prevention? Desk provided with a tabletop prevent the neck problem is an example of the which level of prevention? Guys, this question is asked from the community health nursing, and this is a very valued, very important topic, level of prevention. Always 1 to 2 questions asked in your nursing competitive exams. Always the questions will be asked in the exam. Or dear student, this question is asking, when desk is provided with a tabletop, when I will provide you a desk with the table top to prevent the neck problem. Neck problems ko prevention ke liye, I will provide you a desk with the table top. Guys, this is a type of the primary prevention. B option is the right answer. Understand? Now see the question number 38. Use if the hemostatic forceps is 2. Use of the hemostatic forceps. Hemostatic forceps is the use for which purpose? You know that you should be learn about the image based question is also search on the Google and see the image of the hemostatic forceps. And I am asking in this question, what is the use of the hemostatic forceps? Guys, this is a very valued question. Or this equipment is used to clamp the blood vessel when we are doing the surgery. When you are assisting in any surgery, you need to clamp the blood vessel when doing the surgery. So guys, you should know about this. We should clamp this blood vessel by using the hemostatic forceps. And so the B option is the right answer. Understand? Is very good. Shabash. Bahut hi badhiya answer aap logo ka. Question number 39. Purpose of doing the bimanual compression of the uterus is to, my dear student, I am asking the purpose for which, I am asking the purpose for the bimanual compression of uterus. You are just doing the bimanual compression of the uterus, but why you are doing so? Lekin aap aisa kyun kar rahe hain? What is your purpose? So guys, prevent the APH, control the PPH, prevent the cord prolapse, improve the descent of the fetus. What is the your main purpose to do the bimanual compression of the uterus? Or my dear student, every 10 p.m. at the every night
यू शुड लर्न अबाउट द केजीएफ क्लासेस बिकॉज दे विल बिकम वेरी बेनिफिशियल इन योर अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एससीपीजीआई और एनी अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद द नॉर्सेट 2022 गाइज दे विल बी चेंजेस अ वेरी ट्रेमेंडस चेंज दे विल You will get a tremendous change in your performance also. And download the Voogly app to get the regular test papers. They are free of cost. Nothing need to pay for this charges. So go in the Voogly app and also attempt the test series. They are the free of cost. Safalta quiz as the named given in the test series. Every day I will provide you a one test. So my dear student, bimanual compression of the uterus is done to control the PPH. B option is the right answer. Understand? And everyone is giving the right answer. Now see the question number 40. Prophylactic treatment started after the exposure of the HIV virus. If someone is exposed to the HIV virus and after the exposure, if you want to do the prophylactic treatment, then what you will do? In how many hours you need to do the prophylactic treatment? Within 12 hours, 24, 48, 72. What is the right answer, guys, in this question? When the someone is exposed to the HIV or HIV se exposed hone ke baad, we need to urgently do the treatment, prophylactic treatment for the HIV virus within the 72 hours. Okay guys, 72 hours. Yahan par hours aap kar lenge correction. Okay, D option is the right answer. Understand? Now see the question number 41. Term used to define when who organs are the present is the same side of the body, and this question was earlier asked in the AIIMS daily also, or always daily AIIMS focuses these type of the topics, guys. You know that if the radius and the ulna, when you see your forearm and forearm, if you are seeing that, you know about this radius and the ulna both are parallel to each other and they are also located in the same side of the body. This is the right side of body, this is the left side of the body. I am telling you that when two structures located in the same side, they known as the ipsilateral. What is the right answer? Ipsilateral is the correct. When the two structure, if I ask you that my two fingers, middle finger and the little finger, both are located in the same side of the body. When two structures located in the same side of the body, this is called ipsilateral. If the two structures located in the opposite side of the body, I am saying you that one humerus and the another humerus, both humeruses are the contralateral to each other. These are contralateral. But in this question, the examiner asking you that the two structures located in the same side of the body, this is the ipsilateral. C option is the correct answer. Now see the question number 42. India planned to launch Gaganyaan in which year? We plan to launch the Gaganyaan for the sphere. Guys, in which year we planned for this launching of the Gaganyaan? Question number 42. Or we launches the Gaganyaan. We plan to launch the Gaganyaan in 2022. C option is the right answer, guys. Okay, Gaganyaan is planned to launches in the 2022. Guys, everyone, you are understanding now what I am teaching you. Everyone should be learn now. My hard work should not be never be wasted. I thank you about this. My hard work converts into the selection. Guys, I am thinking you that about you. My hard work, my efforts definitely converts in the result, converts in the selection. I want to see your success. I want to see a great job in your hand. Before the 2022 ends, you should got your job. Everyone should got your job. Guys, we are nurses and we are very dedicated persons, and always we should be aware about career and we should be careful about our parents' emotions. Our parents are very emotionally attached to us. I am also very emotionally attached to all my nurses, all my nursing students.
बिकॉज यू आर वेरी हार्डवर्किंग गाइस, आप सब बहुत मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है, बिकॉज आप दिन भर मोबाइल्स देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, यू आर वेरी हार्डवर्किंग गाइस, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। और जब किसी थोड़ी सी कमी की वजह से व्हेन योर जॉब योर सिलेक्शन इज स्टॉप्ड, आई फील्स वेरी सैडनेस। गाइज नेवर वी स्टॉप द एफर्ट्स, ऑलवेज डू योर बेस्ट एफर्ट्स एंड कन्वर्ट्स इट इन टू द सक्सेस। माई ब्लेसिंग्स एंड माई एफर्ट्स ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन टू मेजर द सीवीपी इन अ पेशेंट हु इज ऑन द वेंटिलेटर। When the client is on the ventilator, one person is on the ventilator and you want to measure the central venous pressure of this patient, then what is the ideal time for measuring the CVP? Guys, you know that the best time to CVP measurement is the end of the expiration. When the client do the inspiration and the expiration, at the end of expiration, it is the best time to measure the central venous pressure. So the B option is correct in this question. Okay guys, now see the question number 44. Size of the endotracheal tube for a 4-year child. I am asking that a child you are attending as a patient, this have the 4-year age, and what is the size of endotracheal tube if you want to place the ET tube to this child, then what is the ideal size for this client? So guys, you know that 4-year you will use the 5 mm size of endotracheal tube. A option is the correct answer. Now see the question number 45. The most common cause of the atrophic vaginitis. Guys, atrophic vaginitis ke liye most common cause aapko batana hai. Which is the most common cause for the atrophic vaginitis? Then what is the correct answer? Now see, the lack of estrogen is one single cause for this problem. Vaginitis is mainly caused due to the lack of estrogen. So the B option is correct. Everyone know about this now. No any doubts should be remains in the brain after my lecture. After you are attending the Wugli classes, no one should be confused and everyone should got the success. Guys, 46, which is the cranial nerve is responsible for the corneal reflex? Which nerve is responsible for corneal reflex? Guys, what is the number of the cranial nerve that is responsible for the corneal reflex? And we know that the cranial nerve number 5, cranial nerve number 5 is responsible for the corneal reflex. And so the B option is the correct answer. Now see the question number 47. Swallowing of the food and the pharyngeal function are the controlled by which cranial nerve? My dear student, I am asking you that the swallowing of the food swallowing and the pharyngeal functions or the swallowing function, that is controlled by the which cranial nerve? And you have the four option, and the name of this nerve is the glossopharyngeal. Which nerve control the pharynx and the swallowing? So that is very valued question, is a very important question, should be marked as the 7-star guys. Or you know that this question is every time asked in nursing competitive exams. Every time when you will go for the exam, you found this question is a very valued question, high yield question, is very important. Guys, glossopharyngeal nerve is responsible for the swallowing. If this nerve is injured, then what will happen? The client have the more chances to aspirate the fluids in the airway. So keep aware about this nerve. This is the cranial nerve and the D option is the right answer. Question number 48. A person ingested 50 tablets of the paracetamol and arrived in the emergency department. Which is the following is the primary nursing action for this patient? My dear student, indirectly I am asking you the antidote of the paracetamol only. In this question, I am asking you the antidote for the paracetamol only, nothing more than it.
The person ingested the 50 tablets in the one time, and I want to detoxify the excessive amount of this paracetamol. Then what you need to recently administer in this patient as soon as possible. The antidote for the paracetamol is the N-acetylcysteine. So the A option is the correct answer. Understand guys, यहाँ तक सबको crystal clear है बेटा? एक बार finally मुझे बता दीजिएगा. Everyone learns about this ना. Every question is very important. जोर से बोल दो एक बार मेरे गजोधर. हर हर बुगली घर घर बुगली. Once a Voglian, always a Voglian. Once a Voglian, always a Voglian. हर हर बुगली घर घर बुगली. शाबाश मेरे डियर स्टूडेंट, शाबाश. लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट. लव यू गाइस. Now I am moving for the next question, number 49. What is the renal threshold of glucose? What is the renal threshold of glucose? If the how many amount of blood glucose, then the kidney is not able to retain this glucose, or the glucose is start to excrete it with the urine. This level of the glucose in the blood is known as the threshold for the kidney. Because if the excessive to this limit, the kidney is not able to retain the glucose and glucose is start to excrete it with the urine. And the condition occurs is called glycosuria. So guys, the renal threshold for the glucose is the 175 milligram per deciliter. If the greater than this value in the blood for the glucose, then kidney is not able to retain this glucose, kidney is not able to control this glucose, and the glucose molecules will started to excrete it with the urine, and this condition is called as the glycosuria. So the B option is the right answer. Or is very important question guys, mark it as the 7-star every time this question is asked. Now the question number 50 is the last question. Which the gas is used in the laparoscopic surgery? If you want to do a laparoscopic surgery, then which gas is used in the surgical procedures? Or guys, everyone know about this, is very simple question. CO2 carbon dioxide is used in the laparoscopic procedures. So CO2 is the right answer. C option is the correct. My dear student, you know that these are the toppers and they got the selection in their first exam. Or I proud of them guys, they are my students and they got selection, good rank, first rank in the first attempt of the life of exam. They give first exam and they got a very great ranks, and they are achieving the lot of selections. And guys, you know that I am coming in the Jaipur, and my first session in the Jaipur is on the Sunday 12 June, and registrations you can do and get the form. If you want to form, then message me on the WhatsApp and I will send you the form. These are the helpline numbers, and you got my offline classes in the Jaipur, and they will become very beneficial guys. They will be extra outstanding classes. They are will be very tremendous change. They you got very excellent change in your performance and in your preparation, because I will do the 400% efforts for your great success and your selection in the 2022. Guys, you are most welcome in my Voogly family on this Sunday 12 June 9 a.m. and thank you so much for attending the Voogly classes. Love you guys, wish you all the best. Har har Voogly, ghar ghar Voogly. Once a Vooglian, always a Vooglian. Love you guys, wish you all the best.